मारो। मम्मी बाबू काकी बुद्धू साइकिल पे बैठना है। चलो चलो साइकिल पे बैठे। बैठ लोगी क्या तुम अपने से साइकिल पे? मम्मा पकड़ेगी तब बैठोगी। चलो आलू। मम्मी तुमको आलू चाहिए? तुमको आलू चाहिए मम्मी? क्या करोगी तुम? आलू काटना है। किस चीज से काटोगी? चाकू। चाकू से? तुम चाकू से आलू काट लेती हो? इतनी बड़ी हो गई हो तुम? अच्छा चलो साइकिल चलाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। मैं सुबह उठी और मैं सुबह से तो बिजी हो गई थी क्योंकि किचन में लग गई थी, लेकिन जैसे ही मैं फ्री हुई और मैं बाहर आकर मैंने देखा तो इतना अच्छा मौसम था। मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हवा चल रही, बहुत देर से ही हवा चल रही, और वो तो मतलब मैं तो वैसे भी ऊपर रहती हूँ सेकेंड फ्लोर पे, तो ज़रा सा भी अगर मौसम में अच्छा या ख़राब जो भी होता है ना रिस्पॉन्स, सबसे पहले मुझे फील होता है। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है सुबह से। और श्रनिका भी पूरा इन्जॉय कर रही है, साइकिल चला रही थी, उसके बाद बैट बॉल खेल रही थी, और अभी वो कुछ कर रही है वहाँ बैठ करके, पूरा इन्जॉय कर रही है मौसम को। आज हम लोग सोच रहे थे, प्लान था कि वाटर पार्क जाने के लिए, लेकिन श्रनिका के पापा का बिल्कुल सडन कॉल आ गया और वो चले गए, तो इसलिए अब हम लोग, लकली मौसम भी अच्छा हो गया तो बस हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं छत पे मौसम को। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा, एक मिनट में आपको फ्रंट कैमरे से वेदर दिखाती हूँ। इतना अच्छा सा मौसम हो रहा है, सारे पेड़। और प्रॉब्लम से ऊपर के कमरे में आपको होती है, मतलब ऊपर अगर आपने घर ले रखा हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ज़रा भी धूप मतलब सुबह सुबह आ जाती है, बिल्कुल सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि जब आप आंखें खोलते हो और बाहर निकलते हो ना, ऐसे जब ये वाला जो सीन होता है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हर तरफ, तो बिल्कुल दिन बन जाता है। और ये है आम का पेड़, इसकी अभी कटिंग कराई थी, तो कटिंग कराने के बाद में ये सारा यहाँ पे रख दिया है। कल या परसों ही हुई है इसकी कटिंग, तो इसको नीचे इसलिए नहीं फेंका गया क्योंकि आम की लकड़ियाँ हैं ना, तो वो यूज हो जाएंगी पूजा में। आप लोगों ने टाइटल पढ़ा ही होगा मेरे वीडियो का कि बहुत ही बैड न्यूज़ हो गई, मेरा लैपटॉप हो गया ख़राब। मैं आई और मैंने उसे ऐसे एक दिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वो बैग ही में पड़ा हुआ था, मैंने उसे बैग से निकाला और एक दिन उस पर कुछ काम किया और फिर रख दिया उसको। थंबनेल वगैरह का कुछ काम था, मैंने कुछ काम किया और फिर उसको रख दिया, और जब वापस से मैंने निकाल कर उसको ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हो रहा। मुझे लगा उसका प्लग ख़राब हो गई, उसकी बैटरी ख़राब हो गई। मैंने सारी चीज़ें मतलब करके देख ली, मेरे तो फिर तो मतलब मेरे होश ही नहीं आया। और ये देखो श्रनिका को पूरी बदमाशी में लगी पड़ी है लड़की, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर मैं और श्रनिका उसको ले करके गए, आगे क्या हुआ चलो क्लिप में देख लो आप लोग, फिर आपको बताती हूं कि क्या हुआ मेरे लैपटॉप के साथ। फैन चल रहा है मम्मी, फैन पास। क्यों फैन पास क्या करोगे जाके? यहीं बैठो मम्मी। हाँ फैन टम टम। देखिए क्लिप्स की, मैं और श्रनिका कितनी ज़्यादा गर्मी में गए थे लिटरली सर्विस सेंटर पे अपना लैपटॉप लेकर के, क्योंकि मुझे जानना था कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। कि मुझे डाउट जो था, मुझे ये डाउट था कि उसका उसकी बैटरी फूक गई है, बट वहाँ पे उन्होंने चेक करा तो बोला बैटरी बिल्कुल सही है, कुछ प्रॉब्लम है अंदर। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा जो मॉडल है लैपटॉप का, उन्होंने बोला कि अभी तो ये मॉडल सोनी का आ नहीं रहा है, तो हम किसी को हायर करते हैं, किसी इंजीनियर को बुलाते हैं और वो उसको बनाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने, मैंने पूछा कि कितने दिन के लिए इसको रखना है,
तो उन लोगों ने कहा कि आप बात कर लो इंजीनियर से। उन्होंने मुझसे बात करवाई, तो जिसका नंबर उन्होंने मुझे दिया था जिस इंजीनियर का, वो एक्चुअली मेरे घर के बिल्कुल पास वाली मार्केट में ही उसकी एक शॉप थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं इतनी दूर क्यों रखूँ अपना लैपटॉप, फिर मुझे इतनी गर्मी में इतनी धूप में लेने आना होगा, सो इट्स बेटर कि मैं वहीं पर आकर दे जाऊँ। तो लकली वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोला ठीक है मैं घर पर आकर के आपका पिक ले लूँगा, आपका सिस्टम देख लूँगा कि क्या प्रॉब्लम है। और तो फिर मैंने अपना लैपटॉप मैं लेकर चली आई। इतनी गर्मी में हम गए और आए, वो लेके गए हुए हैं मेरा लैपटॉप, और देखो क्या होता है, वो बनता है नहीं बनता है। मतलब मुझे तो टेंशन हो रखी है मेरा काम कैसे होगा अगर लैपटॉप नहीं बना तो। सो जो भी होगा फ्रेंड्स, मैं आप लोग को अपडेट तो देती रहूँगी, बट कीप स्टेइंग विद मी। शायद हो सकता है अगर मेरा लैपटॉप ना बन पाए तो शायद मैं कुछ दिन तक वीडियोस भी नहीं डाल पाऊँगी। आजकल मैं, पता है आपको, आज सुबह मैंने लगाया था, मैं विविध भारती 2 दिन से सुन रही हूँ। मतलब वो चैनल ऐसा है ना कि आप उसको कभी भी, मुझे मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद है विविध भारती सुनना। देखो बाबा डॉगी है। इनकी खूब बातचीत हो रही है। क्या कर रही हो? नीचे पानी गिरा है। नीचे गिरा रही हो? मम्मी दादाजी दूधू दादाजी दूधू लेने गए थे आज। मैं बता रही थी ना आजकल तो मैं चीट इंडिया का सॉन्ग सुन रही हूँ, मैं विविध भारती भी सुन रही थी, तो चूंकि आदत है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी कभी सुनिएगा, आजकल तो उसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन रेडियो भी चलते हैं। तो मैं जब सुबह उठती हूँ और आती हूँ किचन में, तो फिर मैं अपने फोन पे ही लगा लेती हूँ उसको, एंड आई फील सो हैप्पी। इतने दिनों बाद मैंने सुनी और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। सॉन्ग थोड़े से ओल्ड जरूर होते लेकिन एक बार सुनने लगो तो अच्छे लगने लगते हैं, तो अच्छा लग रहा था। मैं सुन रही थी और मैं आजकल चीट इंडिया के सॉन्ग्स भी सुन रही हूँ, दो गाने उसके बहुत अच्छे, तो वो भी मैं आजकल सुनती रहती हूँ। आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ली जाए। वो टाइटल से तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। लेट्स सी कि मेरा लैपटॉप कब तक बन के आता है। आई एम जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट कि वो बन जाए, अदरवाइज मेरा 50% काम तो वैसे ही रुक जाने हैं। एंड गिव मी ब्लेसिंग्स कि मेरा लैपटॉप ठीक हो जाए, वरना उसके बिना मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं बेचारी सी बन जाऊंगी। और मेरा मौसम अच्छा हो तो आप बैठ जाते हो, लेकिन इतना सारा काम है, पूरा किचन में काम फैला हुआ है, कमरे की क्लीनिंग का काम फैला हुआ है, और ये सब काम मुझे अकेले करना है, मुझे अकेले। बाकी ये लड़की जो फैला रही है ना अभी, वो भी मुझे अकेले करना है। तब मैं जा रही हूँ, ये सारा काम करूँगी। अपने दुख को मैंने आपसे बांट लिया, नाउ आई फील लिटिल बिट ऑफ रिलैक्स। और बस ऐसे ही बीतेगा हमारा आज का दिन। आपको मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँचना मुश्किल होता है सबको कि वो पूरा वीडियो देखें, लेकिन अगर आप पहुँचे हैं, इतनी मेहनत कर ली है आपने, तो एक लाइक बटन दबा के जाना आप लोग। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आजकल तुम टिकटॉक बनाती हो? क्या बनाती हो? टिकटॉक। टिकटॉक तो तुम दिखाई हो किसी को अपना वीडियो टिकटॉक वाला? मम्मी को दिखाई हो? टिकटॉक। ठीक है, तुम्हारा एक टिकटॉक का वीडियो हम डाल देंगे इसमें, ठीक है? तो फिर सब लोग तुमको फॉलो करेंगे, फिर तुमको सब लोग लाइक करेंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक टिकटॉक की क्लिप डाल दूंगी, अब जो श्रनिका ने अभी रिसेंटली बनाई है। सॉरी।